नरसिंहपुर नवागत पुलिस अधीक्षक के आते ही अवैध मादक पदार्थों का व्यापार करने वालों में मचा हड़कंप। 10 लाख रुपए कीमत की 105 ग्राम स्मैक जब्त। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के परिक्षेप में अवैध मादक पदार्थों एवं असामाजिक तत्वों पर धारा 110 एवं जिला बदर की कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान थाना स्टेशन अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर मुकेश पिता घनश्याम मेहरा मुड़िया निवासी को ग्राहक को स्मैक बेचने की फिराक में था, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सहायक उप निरीक्षक संजय सूर्यवंशी, सहायक उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा, आरक्षक संजय मिश्रा, राजेंद्र पटेल, अनुराग कौरव की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक कुरुकरण सिंह ने उक्त अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। तो ये एक अभियान में हमारी पहल है और हम ये कार्रवाई जो है कंटिन्यू रखेंगे जिले में। ये सभी जो अभियान के मेरे आने से दो दिन पहले ही ये घटना हुई है। इस घटना को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इस घटना में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी कुछ दिनों में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएगा और हम ये कोशिश करेंगे और अपनी पुलिस की प्रेजेंस खासकर शाम के टाइम हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसी घटनाएँ जो हैं वो दोबारा ना हों। चोरी की घटनाओं को लेकर फिर पुलिस क्या क्योंकि रात्रि गश्त में देख रहे हैं कि रात्रि गश्त को लेकर मैंने अभी क्राइम मीटिंग ली है जिसमें मैंने एक नए इंस्ट्रक्शंस जारी किए कि रात्रि गश्त किस तरीके से चले और जैसे हम बड़े शहरों में रात्रि गश्त को मॉनिटर करते हैं वैसे ही नरसिंहपुर में जिले में रात्रि गश्त को मॉनिटर करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं और उसी तरीके से हम पुलिस प्रेजेंस ताकि रात में भी बनी रहे और पुलिस में हमें जल्दी रिजल्ट मिले।